हेलो भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूं आकाश, आप लोग देख रहे हैं ओनली गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रो टिप्स एंड ट्रिक, जिसे देखने के बाद, जिस प्रो टिप्स एंड ट्रिक को आप सुनने के बाद एकदम प्रो की तरह खेलने लगोगे। वैसे तो मैं जानता ही हूँ कि आप लोग प्रो प्लेयर हो ही, लेकिन इन टिप्स को देखने के बाद आप बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रो प्लेयर बन जाएंगे। मतलब आप अकेले एक एक स्क्वाड को निपटा देंगे। मतलब आप सोलो वैसे स्क्वाड खेल रहे हो, डुओ वैसे स्क्वाड खेल रहे हो, या थ्री वैसे फोर खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो आप सोलो में, स्क्वाड में, डुओ में, आप सब में भैया कर लोगे। मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक को आपको बस फॉलो करना है और आपको भैया आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको तीन चार ऐसी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक तीन चार से दूंगा ही। मतलब ये नाम के लिए मैंने तीन चार टिप्स एंड ट्रिक बोल दिया है कि आपको तीन या चार टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, लेकिन वैसे टिप्स एंड ट्रिक से मैं आपको भर दूंगा इस वीडियो में। बस आपको कुछ तीन चार मेन पॉइंट जो होते हैं उसे आपको मतलब देखना पड़ता है। जो फ्री फायर में तीन चार पॉइंट ऐसे होते हैं, तीन चार मेन हाईलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बस आपने वो चीज़ फॉलो कर ली तो आप एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। प्रो प्लेयर बनना कोई मतलब ना ही मुश्किल काम है ना ही कोई आसान काम है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि एक प्रो प्लेयर रखता है। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या ये सब है, तो आइए वीडियो में देखते हैं। फियरलेस प्लस मूवमेंट स्पीड प्लस टाइमिंग इक्वल टू भैया। जी हाँ, अब ये सब है क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अपने अंदर जो डर है उसे हटाना पड़ेगा और आपको अपनी मूवमेंट स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको भी टाइमिंग देखनी पड़ेगी। देखो मैंने एक को मारा, दूसरे को भी थोड़ा मारने की कोशिश की, वो नीचे आ गया। अब ज़्यादातर सब लोग क्या करते हैं कि एक को मारा उसी को पूरा फिनिश करने में लग जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको टाइमिंग से खेलना है कि मतलब देखो, एक तो मैं फियरलेस होकर खेल रहा हूँ, पर देखो स्कैनर में कितने सारे ज़्यादा बंदे थे। देखो भाई यहाँ पे एक को मारा, फिर थोड़ा नीचे आया। जब मुझे लगेगा कि मैं इसको पूरा ख़त्म कर सकता हूँ तभी मुझे ख़त्म करना है, ये नहीं कि मैं उसे मार रहा हूँ बाकी लोग मुझे मार रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मेरा पार्टनर नॉक हो गया है, अब मुझे अपने पार्टनर को बचाना है, पर मैं अपने पार्टनर को नहीं बचा सकता था क्योंकि मेरे पास ग्लू बॉल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको पूरा ख़त्म किया। अब देखो इसके पास एक ग्लू बॉल है, अब मैं इस एक ग्लू बॉल से अपने पार्टनर को बचा सकता हूँ। पहले तो मैं दो नेट कर देता हूँ। अब देखो मैंने टाइमिंग से दो नेट किए कि अगर कोई मेरे पार्टनर के आसपास होगा तो वो मर जाएगा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ एक बंदा है वो भी बहुत दूर था, तो मैंने तुरंत इसको नॉक किया। अब देखो इसको मैं पूरा फिनिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने पार्टनर को बचाना है। अब आप स्कैनर में देख लीजिए कितने सारे बंदे हैं, लेकिन फिर भी मैं बिना डर के खेल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फियरलेस भी होना है आपको। अगर आप फियरलेस हो गए हो, अपनी मूवमेंट स्पीड आपने अच्छी कर ली, तो समझिएगा आप बहुत ही अच्छे प्लेयर बन गए। अब देखो मेरा पार्टनर फिर से नॉक हो गया है क्योंकि उसे भागने का मौका भी नहीं मिला और मेरे पास भाई एक ही ग्लू बॉल थी, वरना मैं पैक करके उसकी पूरी हेल्थ वगैरह सब बढ़वा लेता। अब मैं अपने पार्टनर को अगर रिवाइव करता हूँ तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। और यहाँ पे भाई मैं इसे पूरी मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए मैं अपने पार्टनर को रिवाइव दो, भाई मैं अपने पार्टनर को रिवाइव करने वाला था तो मुझे फिर पीछे से पड़ी और यहाँ पे हम अपने पार्टनर को नहीं बचा पाए क्योंकि भाई आप लोग जानते ही हो कि अगर खुले में अपन खेल रहे हों तो भाई मतलब एक बंदे को मारना कितना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है और ख़ुद को भी बचाना पड़ता है अपन को। यहाँ पे आप सोलो वैसे स्क्वाड वाली सिचुएशन आ गई क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर डुओ वैसे स्क्वाड खेल रहे थे। अब मेरा पार्टनर जो कि मर चुका है, तो अब ये सोलो वैसे स्क्वाड वाली सिचुएशन आ गई यहाँ। तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने फियरलेस को सबसे पहले नंबर पे क्यों रखा है। मतलब आपको बिल्कुल अपना डर पूरा भगाना है, आपको एकदम फियरलेस बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अगर मैं मर गया तो भैया नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहावत है ना, जो डर गया समझो मर गया। इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको उनको सोच समझ के खेलना है, आपको 1% भी नहीं डरना। मूवमेंट स्पीड आपको अपनी अच्छी बनाए रखनी है। अब देखो यहाँ पर मैं लूट कर रहा हूँ, देखो मुझे अभी अचानक से थोड़ी देर में पड़ी, देखो ये पड़ी मुझे अचानक से, और देखो मैं कितनी स्पीड में भाग गया। तो आपको अपनी मूवमेंट स्पीड भी अच्छी रखनी है। देखो पहले तो बिना डर के खेलना है, देखो मैं इतनी देर से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ वो भी बिना डरे, और फिर मैंने तो मूवमेंट स्पीड से मैं बच भी गया। अब टाइमिंग देखो, देखो क्या टाइमिंग से मैंने इसको तुरंत हेड मार के इसको पूरा नॉक कर दिया। अब मैं आसानी से पूरा फिनिश कर सकता हूँ क्योंकि इसके पार्टनर यहाँ आसपास नहीं है। देखो भाई डंडे से मार दिया उसको, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि अपन को बिल्कुल आराम से खेलना है। मतलब आपको बिल्कुल भी 1% भी डरना नहीं है, आपको फियरलेस बनना है। पहली चीज़ आपको डरना नहीं है, दूसरी चीज़ आपको अपनी मूवमेंट स्पीड अच्छी करनी है, और तीसरी चीज़ आपको अपनी टाइमिंग देखनी है कि टाइमिंग कब, मतलब कब आपको मेडिकेट लगानी है, कब आपको रश करना है, कब आपको रश नहीं करना है। ये आपको थोड़ा सोच समझ के करना है क्योंकि ये आपकी कंडीशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा। ये मैं मतलब मैं आपको ये वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं बता सकता आपको ये आपके क्या सिचुएशन पड़ रही है, आपको क्या वाला टाइमिंग है। मान लो आप जोन की साइड हो तो फिर आपको फाइट को अवॉइड करना पड़ेगा, पहले आपको सर्कल में जाना होगा। अगर मान लो आप सर्कल में हो तो फिर आप आराम से फाइट करो। तो वही है कि आपको अपनी टाइमिंग देखनी पड़ेगी। ये देखो मुझे फिर से पड़ी तो मैं फिर से भागा, और देखो मैं क्या टाइम पे अपने कवर पे आ गया। तो भाई टाइमिंग प्लस क्या बोलते हैं उसको मूवमेंट स्पीड और प्लस फियरलेस, ये दो तीन चीज़ें अगर आपने
अच्छे से सीख ली हो, कर ली, तो आप एक आसानी से आप एक अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे। प्यो प्रो प्लेयर बनना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। और हाँ एक बात और, कलर स्किन से कभी भी कोई प्रो प्लेयर नहीं बनता है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास अच्छी कलर स्किन नहीं है, अच्छा सामान नहीं है, तो आप एक प्रो प्लेयर नहीं हो। प्रो प्लेयर स्किल से बनता है, ना कि स्किन से। तो आपको स्किन नहीं है आपके पास तो कोई टेंशन नहीं, स्किल आपको रखनी है। एक स्किल वाला जो प्लेयर होता है वही प्रो प्लेयर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रो प्लेयर या कोई यूट्यूबर न्यू प्रैंक करता है तो बिल्कुल एडम वगैरह लगा के करता है, कलर स्किन सारी हटा देता है, उसके बाद ही वो सोलो वर्सस स्क्वाड खेल लेता है। तो क्यों खेल लेता है? क्योंकि वो एक प्रो प्लेयर है। तो बस आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई कलर स्किन नहीं है तो उसमें आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बोल सोच समझ के बिल्कुल आराम से खेलना है। अभी देखो मैं कितने आराम से मतलब कबड्डी टुका, देखो मेरे पास अब ग्लू वॉल नहीं है तो मैं जो स्लोप होता है उसका कवर लेके खेल रहा हूँ। तो बस आपको बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आप भैया बड़े आराम से ले लोगे, चाहे वो सोलो बेसेट वाली सिचुएशन हो चाहे जो हो। और ये देखो बड़े आसानी से आप किसी को भी नॉक डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे भाई प्रो प्लेयर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बस उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आप एक बहुत ही अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। लव यू भाइयों, बस सपोर्ट बनाए रखें।